तो एक चंडीगढ़ तो आप सबको पता ही है दोस्तों, और दूसरा चंडीगढ़ है यहाँ पर। स्पीति वैली की यही तो खासियत है, आपको हर 1 किलोमीटर के बाद कुछ अलग लैंडस्केप मिलेगी। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्पीति वैली हुरलिंग। तो आज हमारा स्पीति वैली का day 3 है दोस्तों, और आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ताबो मोनेस्ट्री विजिट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, प्लान नहीं है कुछ कहाँ जाएंगे, बट सोचा है कि पिन वैली जाएंगे, तो पिन वैली आपको दिखाएंगे। पिन वैली में मुद विलेज है, वो आपको हम दिखाएंगे। इस टाइम देखिए हम लोग चाय पी रहे हैं और टाइम 8:30 हो गए हैं। हम लोगों ने अपना सामान माउंट कर लिया है बाइक पे और बस चाय पी रहे हैं। चाय के साथ हम लोग बिस्किट्स खा रहे हैं। तो खाने का तो यहाँ कोई अरेंजमेंट है नहीं, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि अब ब्रेकफास्ट जो है हम लोग ताबो जाकर करेंगे। तो ताबो यहाँ से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के करीब है, तो वहाँ जाकर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे। तो युवराज भाई जो है वो अपने बाइक पर सामान माउंट कर रहे हैं और हम बिस्किट के साथ इस ठंडी ठंडी सुबह में चाय का आनंद ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हुरलिंग जगह है ना, इसकी हाइट है 10,105 फीट है। तो मौसम बहुत अच्छा है, प्लेजेंट मौसम है, ठंडा ठंडा है यहाँ पे, और शाम के टाइम तो बहुत अच्छी हवा चलती है, तो रात को नींद भी बहुत फर्स्ट क्लास से आई। रजाइयाँ हम लोगों ने ली दी थी, तो मज़ा आया मतलब ठंड में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिम मोटो एक्सप्लोरर। तो मैं आपको हुरलिंग PWT रेस्ट हाउस से नज़ारा दिखा रहा हूँ। इस टाइम सुबह सुबह का टाइम है, धूप खिली हुई है बहुत अच्छे से, और सुबह जल्दी धूप आ गई थी यहाँ पे 7 बजे ही। देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बिल्कुल चारों तरफ। तो निकलते हैं अब यहाँ से ताबो। 19 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर्स के करीब, और काजा है 70 किलोमीटर्स। जय माता की। धूप यहाँ पर सुबह ही आ जाती है और इस टाइम बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, सुबह भी नहीं लग रही थी ठंड। हाँ, शाम के टाइम जब हवा चलती है तब ठंड हो जाती है यहाँ पे। तो ये है मेन रोड, चंडीगढ़ विलेज एट 10,000। देखिए दोस्तों ये है चंडीगढ़, ये जगह का नाम है चंडीगढ़, ये दिखाता हूँ, ये है चंडीगढ़ है ना। तो एक चंडीगढ़ तो आप सबको पता ही है दोस्तों, और दूसरा चंडीगढ़ है यहाँ पर। आज हम लोग बड़े आराम से उठे, कोई जल्दीबाजी नहीं थी, क्योंकि आज कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हम लोगों को कवर नहीं करना है। तो आराम से उठे, अब हम लोग यहाँ से ताबो मोनेस्ट्री विज़िट करके और पिन वैली के लिए निकल जाएंगे। गाइज तो इस टाइम मैं यहाँ खड़ा हूँ लरी में, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग्स हैं, ये नवोदय स्कूल है, और बहुत ही खूबसूरत जगह पर बना हुआ नवोदय स्कूल है, और यहाँ से नज़ारा बहुत औसम है। तो यहाँ मैंने पहले सोचा हुआ था कि मैं यहाँ आकर रुकूंगा और आपको यहाँ से नज़ारा दिखाऊंगा और नवोदय स्कूल भी दिखाऊंगा, कि नवोदय स्कूल भी आई थिंक ये इंडिया के सबसे हाईएस्ट नवोदय स्कूल होगा जो इतनी हाइट पे है। इस टाइम तकरीबन 11,500 फीट की हाइट पे है नवोदय स्कूल। तो मैं अब आपको यहां से एक 360 डिग्री व्यू दिखाता हूं गाइस। हम लोग पहुंच गए हैं ताबो, ये सामने आप देख रहे हैं ये ताबो ही भी है, ताबो विलेज। यहाँ मोनेस्ट्री है, बहुत फेमस मोनेस्ट्री है यहाँ पे। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ चल के एक्सप्लोर करते हैं मोनेस्ट्री को, और ब्रेकफास्ट भी करना है, भूख भी बड़े ज़ोर के लगी है। तो 10 बजने वाले हैं, 2 मिनट हैं 10 बजने में। यहाँ से लिखा है काजा 46 किपर 66। तो अब हम लोग यहाँ से लेफ्ट साइड को टर्न लेंगे, ये हम एंटर कर रहे हैं अब ताबो विलेज में।
खूबसूरत सा गांव है ये, छोटा सा। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये बस स्टैंड है यहाँ का, ताबो का, ये लिखा है ताबो बस स्टैंड। यहाँ आपको होम स्टे, होटल, रेस्टोरेंट सब मिल जाएंगे। छोटी सी मार्केट भी है यहाँ पे। गाइस फाइनली हम लोग 10:10 पे ठीक यहाँ पे ताबो विलेज और ताबो मोनेस्ट्री में पहुँच गए हैं। और बहुत खूबसूरत मोनेस्ट्री है गाइस, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस टाइम हम मोनेस्ट्री के अंदर ही पहुँच गए हैं, तो अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर मोनेस्ट्री में और मोनेस्ट्री आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। उसके बाद हम लोग गाइस यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आज का शेड्यूल ऐसा हो गया है कि हमारा काजा का जो सर्किट हाउस है वो बुक हो गया है, तो आज हम लोग सर्किट हाउस में रुकेंगे। तो हम लोग जाएंगे यहाँ से धनकर मोनेस्ट्री, धनकर मोनेस्ट्री के बाद हम लोग पिन वैली एक्सप्लोर करके वापस काजा में नाइट स्टे करेंगे। तो गाइज ये मोनेस्ट्री के साथ ही मिलेनियम रेस्टोरेंट है, तो यहाँ चलते हैं और देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या मिल रहा है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद हम निकलेंगे धनकर मोनेस्ट्री के लिए। ये ओल्ड मोनेस्ट्री है, उसके बिल्कुल ठीक साथ में ही है। तो चलिए अंदर चलते हैं, ये है इनका रेस्टोरेंट, और देखते हैं क्या ऑर्डर पड़ा। वाओ यार देखिए खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। चलिए अंदर चलते हैं, ये है रेस्टोरेंट यहाँ का। पूरा तिब्बतीन कल्चर है यहाँ पे, चाइनीज कल्चर नजर आता है देखिए इनके यहाँ रेस्टोरेंट में सारा। अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से ताबो से, ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया, और ये देखिए प्रेयर फ्लैग्स लिए हम लोगों ने बाइक के लिए। तो ये बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे। इस वाले बाइक के लिए मेरे पास थे नहीं पल्सर के, तो मैंने ले से लिए थे, वो पल्सर में लगे हुए हैं। मई मंथ में यहाँ दिन में ठंड नहीं है ज़्यादा, दिन में क्या रात को भी ज़्यादा ठंड नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। मतलब आप एक हल्की स्वेटर में आप यहाँ शाम को घूम सकते हो, और बाइक में एक हल्की सी जैकेट चाहिए आपको। कितने बड़े बड़े प्रेयर फ्लैग्स हैं देखिए, ताबो हाइट्स बुधा होम स्टे। तो यहाँ ताबो में तो अच्छी मार्केट भी है, और होम स्टेज की आपको काफ़ी चॉइस मिल जाएगी, और खाना भी बहुत बढ़िया है। तो अभी हमने जिस रेस्टोरेंट में हमने ब्रेकफास्ट किया, बहुत बढ़िया परांठे मिले। देखिए दोस्तों कैसी फॉर्मेशन बनी है, वाह क्या नज़ारा है। देखिए छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर कैसे बन गया ये, क्या खूबसूरत रास्ता है। स्पीति वैली की यही तो खासियत है, आपको हर एक किलोमीटर के बाद कुछ अलग लैंडस्केप मिलेगी, कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। अरे अरे नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। अब हम लोग धनकर मोनेस्ट्री वाले रोड पे आ गए हैं, आगे हैं मतलब वो सामने जो आपको गेट दिख रहा है वहाँ से हमने ऊपर जाना है राइट साइड को। तो ये धनकर के लिए जाएगा और ये लेफ्ट साइड को जाएगा काजा के लिए। तो पहले हम लोग धनकर मोनेस्ट्री जाते हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर है धनकर मोनेस्ट्री। तो धनकर को एंजॉय करते हैं हम लोग। ये देखिए 8 किलोमीटर है, मैं पहले गया हूँ लास्ट ईयर। ये भी बड़ी सुंदर मोनेस्ट्री है, ये सामने दिख रही है धनकर मोनेस्ट्री। ये जो आप येलो वाली देख रहे हैं ये न्यू मोनेस्ट्री है, और वो जो आप देख रहे हैं वो सबसे एज पे किनारे पे, ये है ओल्ड मोनेस्ट्री, ये है एंट्री गेट।
पहले हम लोग चलेंगे ऊपर वाले रास्ते से, तो ऊपर है ओल्ड मॉनेस्ट्री, वहाँ चलते हैं। अब देखिए आप यहाँ से नज़ारा, आ हा हा भाई साहब, बहुत ही बहुत ही खूबसूरत है। आ गए हैं अब हम लोग मोनेस्ट्री में। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये जो आप ऊपर वाला ये जो गेट देख रहे हैं, इसके बाद जो है वो कैमरा अलाउड नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। भाई साहब बहुत बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे, इतनी शांति है, हवा की आवाज़ भी क्लियर सुन रही है। ये है गाइस मोनेस्ट्री, ये मैंने अंदर आके लामा जी की परमिशन से यहाँ कैमरा मैंने ऑन किया है, तो उन्होंने कहा है कि आप यहाँ बाहर बाहर आप वीडियो बना सकते हो, अंदर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर लामा जी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनका प्रेयर रूम है इधर, और बाहर से ही मैं आपको बताऊँगा, वो सामने वो भी पूजा का रूम है। और यहाँ से अंदर जाके एक और गुफा है, इसके अंदर, इस रूम के अंदर एक और गुफा है, वहाँ पे बोलते हैं कि वो मेडिटेशन रूम है। अभी हम गए थे देखने के लिए, बहुत अंदर शांति और बिल्कुल घुप अंधेरा है वहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, इस टाइम हम लोग हैं यहाँ पे धनकर मोनेस्ट्री में, और यहाँ पर हमारे अलावा इस टाइम कोई नहीं है, इतना शांत है, कोई टूरिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। युवराज भाई बहुत मजा है ना, कितनी शांति है ना। मतलब एक किसे कहते हैं कि अगर आपको भगवान से प्रेयर करनी है, मेडिटेशन करनी है, तो इससे मेडिटेशन के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं, हो ही नहीं सकती। सही बात है, मेडिटेशन के साथ साथ जो सुकून है ना, हाय हाय, 360 में आप अगर देखते हैं ना तो अलग अलग व्यू। सही बात है, और इतना औसम, इतना अल्टीमेट व्यू है कि मतलब गजब है, गजब। जब आप यहाँ आएंगे ना, आप यहाँ आके खुद फील करेंगे इस चीज को। तो थोड़ा सा यहाँ क्या है, हाइट ज्यादा है यहाँ की, तो थोड़ा सा सांस लेने में थोड़ा सा है ना, हल्का सा, थोड़ा लंबा सांस लेना पड़ रहा है यहाँ पे। कुदरत के जो नजारे हैं ना, ये तो भाई साहब यहीं देखने को मिल रहे हैं। और कैसे ये मोनेस्ट्री यहाँ बनाई हुई होगी, और ये मोनेस्ट्री अभी हमारी लामा जी से बात हो रही थी, तो लामा जी बता रहे थे 1000 साल पुरानी है ये मोनेस्ट्री, उससे ज्यादा, 1000 साल से ज्यादा पुरानी है। तो देखिए तब से लेके अब तक ये इन कच्चे पहाड़ों में ऐसे की एज इट इज है ये पुरानी, और ये जो मकान है ये भी ऐसे ही है, और कितने कच्चे पहाड़ हैं, मतलब कमाल ही है यार, ये तो मतलब अमेजिंग है ये। आप यहाँ आओगे तब खुद फील करोगे इस चीज़ को। तो दोस्तों जरूर आइएगा आप यहाँ और धनकर मोनेस्ट्री को विजिट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग इस वीडियो में पहली बार जुड़े हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा पिछले वीडियो का, जो कि हम लोगों ने रामपुर से लेके हुरलिंग तक का किया था, जिसमें हम लोग गेहूं मोनेस्ट्री भी गए थे, और वहाँ हमें स्नो लेपर्ड हमने स्पॉट किया था, और बड़ा हमारा बिल्कुल आमने सामने 20 से 30 फुट का ही हमारा डिस्टेंस था। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, बहुत बढ़िया वीडियो है। तो दोस्तों अब यहाँ टाइम ना ज़्यादा हम लगाते हुए अब निकलते हैं, हम लोगों को पिन वैली जाना है, तो आपको वो भी दिखाना है, तो बाकी बातें हम लोग चलते हुए रास्ते में करते हैं। अब हम लोग यहाँ से टर्न लेंगे लेफ्ट टर्न मुद विलेज के लिए, तो 34 किलोमीटर है मुद विलेज, और काजा सीधा है 16 किलोमीटर। ये आ गया ब्रिज, वेलकम टू पिन वैली, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, वेलकम टू पिन वैली। ये आ गए अब हम लोग इस वाले रोड पे, ये यहाँ से 7-8 किलोमीटर तक मेटल्ड है, उसके बाद फिर ये सारा कच्चा है। अब ये ऑफ रोड शुरू हो गया है, सिर्फ ये 3-4 किलोमीटर का रोड था जो पक्का था, बाकी अभी ये 30 किलोमीटर जो है प्योर ऑफ रोडिंग है। दूर से ये वाला पुल देखिए इस तरह से दिख रहा है, और यहाँ नीचे अब आ गया है संगम विलेज, हम संगम विलेज को क्रॉस कर रहे हैं, और सामने स्नो कवर्ड पीक्स हैं, और ये खूबसूरत सा संगम विलेज। यहाँ के जो मकान होते हैं, देखिए आप अगर देखेंगे उनकी जो छतें हैं उनके ऊपर मिट्टी का जो है लेंटर है, और उसके बीच में कुछ ये लोग घास वगैरह डालते हैं,
जिससे कि जब बर्फ़ पड़ती है तो उसकी ठंड अंदर नहीं जाती है और पानी भी अंदर नहीं जाता है बर्फ़ का। ये है असली एडवेंचर। एक्सपल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इतनी ऑफ रोडिंग में, इतनी हाइट पे और इस तरह के रास्तों में। बिल्कुल भी मतलब इसको जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि गाड़ी दब रही है ज़रा भी। पहुंच गए जी मुद विलेज, पिन वैली का लास्ट गांव मुद विलेज पहुंच गए हम लोग। एग्जैक्ट 4 o'clock, 4 बजे हैं पूरे। दूध जैसी वाटर स्ट्रीम, क्या नज़ारा है, बर्फ़ के पहाड़ ढके हुए और इतनी ज़्यादा बर्फ़। ये आ गया जी मुद विलेज। अरे कितना प्यारा, अरे रे रे रे, हेलो हेलो। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं इस वाले होम स्टे में रुका था, वो सामने आगे जहाँ कार खड़ी है ये था वो मेरा होम स्टे, ये वाला। यहाँ मैंने लंच किया था ऊपर और यहाँ मैंने गाड़ी लगाई थी। फाइनली हम लोग 4 बजे पहुँच गए हैं यहाँ मुद विलेज में। तो पिन वैली का जो है ये आखिरी गांव है मुद विलेज, बहुत खूबसूरत गांव है। आप देखिए यहाँ देख रहे होंगे बिल्कुल स्नो कवर्ड पीक्स बिल्कुल गांव के ठीक सामने हैं और बहुत ठंडा है यहाँ पे, हवा बहुत ज़्यादा है। और उस तरफ आप देख रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ पे, तो काजा से ज़्यादा यहाँ ठंड है और हवा बहुत ज़्यादा है। तो गाइस उन लोगों के लिए मुद विलेज बहुत अच्छा है जो लोग नेचर लवर हैं और जिनको शांति चाहिए, पीस चाहिए, उसकी तलाश में, सुकून की तलाश में जो आते हैं, ये बहुत अच्छा है अगर वो नाइट स्टे यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कोई भी नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं करता है, तो अगर आपने कॉल करनी है तो यहाँ से 4 किलोमीटर पहले एक जगह पर सिग्नल आता है, वहाँ से आप लास्ट कॉल कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आके आप नेचर को एंजॉय करिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे बाइक्स की क्या हालत है, मैं आपको बाइक की हालत दिखा देता हूँ, ज़रा देखिए बाइक की हालत क्या है। बुरी हालत है, युवराज भाई को देखिए आप, क्या हालत होगी ये कपड़ों की। ये देखिए, ये देखो बिल्कुल वाइट हो गए हैं, लेकिन मजा आता है ऑफरोडिंग, है ना? बाय द गॉड, सही बात है, बहुत मजा आया, काफी दिनों बाद ऑफरोडिंग मिली। बाइक की हालत देखिए, बाइक भी दिखाते हैं आपको। शबनम का हाल क्या है, हमारी बुलेट का हाल देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या हालत हो गई है डस्ट में बाइक की, क्या हो गया। पर भाई साहब हाँ, जो यहाँ से नजारे मिल रहे हैं ना, औसम है। मतलब ये ट्रिप जो है ना वो फुल पैसा वसूल ट्रिप है, क्यों युवराज भाई? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है पिन वैली, नो डाउट। इसके हर मोड़ पे एक नई ब्यूटी है, हाँ नई ब्यूटी, सही है, बात है। और एक ब्यूटी पहाड़ियों की इतनी सुंदर, कहीं पे ग्रीन, कहीं पे पिंक, कहीं पे ब्लैक, ऑसम। ठीक 6 बजे यहाँ काजा पहुँच गए थे ओल्ड सर्किट PWD रेस्ट हाउस में। तो इस वक्त हम लोग अंदर हैं रेस्ट हाउस में और यहाँ देखिए हमने अपने बाइक लगा दी हैं, सामान हमने अभी उतार दिया है। तो चलिए अब मैं आपको चल के अंदर रेस्ट हाउस दिखाता हूँ, रूम दिखाता हूँ। ये है ओल्ड PWD रेस्ट हाउस, ये बिल्कुल मेन मार्केट के अंदर है। ये अंदर चलते हैं हम लोग। ये है हमारा ड्राइंग रूम, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और ये हमारा रूम है यहाँ पर। ये है रूम, बढ़िया है, छोटा सा रूम, नीट एंड क्लीन है और सामान हमने रख दिया है। तो यहाँ से अंदर मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ हमारा ये ड्रेसिंग एरिया है, लाइट नहीं है, ये वार्डरोब है यहाँ पे, और यहाँ पर है हमारा वॉशरूम। दोस्तों गरम गरम चाय आ गई है यहाँ पे, यहाँ चाय एक्चुअली बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। हाथ अभी सुन्न हो गया हमारे, हाथ धोए हम लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, अदरक वाली चाय है और मीठा बिल्कुल सही डाला है इसने। अच्छा अच्छा, लाओ जी साथ में बिस्किट खा लेते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया हम लोगों ने क्योंकि हम लोग मुद में रुके नहीं। अभी हम लोगों ने गाइस गीजर ऑन कर दिया है, बस नहा धो के अब हम लोग मार्केट चलेंगे, है ना, थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे। तो गाइस इस टाइम हम आ गए हैं यहाँ पर काजा की मार्केट में, काजा की मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। तो देखते हैं कुछ अगर लेने वाली चीज़ होगी तो लेंगे, वैसे तो बाइक में बिल्कुल भी जगह नहीं है,
छोटी मोटी कोई आइटम पसंद आएगी तो वो ले सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं ले सकते। पर हम आपको काजा की मार्केट जरूर एक्सप्लोर करवाएंगे, दिखाएंगे कैसी है यहाँ की मार्केट। छोटी सी मार्केट है, युवराज भाई ने यहाँ से ये लाफिंग बुद्धा लेने हैं। दोस्तों इस टाइम रात के 10:10 हो गए हैं और हम लोगों ने डिनर कर लिया है। इस टाइम देखिए डेटा ट्रांसफर का काम चल रहा है, तो हम लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं और बस अब डेटा ट्रांसफर करने में लगभग आधा पौना घंटा लगेगा। उसके बाद हम लोग सब सो जाएंगे और सुबह राइड की तैयारी करनी है। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये नीचे बेल आइकन आ रहा है इसे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर।